अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मामा जैद चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चलें, आज आपके लिए क्या बन रहा है? आज आपके लिए बन रहा है चिकन शिश ताऊक, जो कि बहुत पॉपुलर रेसिपी है। तो यहाँ पे मैंने बोनलेस चिकन लिया है ब्रेस्ट, जो कि 1.5 पाउंड है। ज्यादातर लोग इसमें थाई भी यूज करते हैं, लेकिन आपकी ऑप्शन है, आप थाई का मीट यूज करें या ब्रेस्ट का। तो मैंने यहाँ पे चिकन ब्रेस्ट लिया है। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास है 1.5 टेबलस्पून टोमेटो प्यूरे। आप के पास पेस्ट है तो 1 टेबलस्पून ले लीजिएगा। और 1 टीस्पून मस्टर्ड है, येलो मस्टर्ड सॉस। और यहाँ पे 1 टेबलस्पून मेरे पास केचप है। इन सबको हम शामिल करेंगे चिकन में। यहाँ पे 3 टेबलस्पून लेमन जूस है मेरे पास। 1 टीस्पून जिंजर पेस्ट है। सॉल्ट जा रहा है 1/2 टीस्पून, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। और ऑरेगानो जा रहा है, ड्राइड है मेरे पास 1 टीस्पून। 1 टीस्पून ही पेपरिका है। 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर है। और सुमिक है 1 टीस्पून। इन सबको आप अच्छी तरह से मिक्स करें। और योगर्ट जो है इसका मेन इंग्रेडिएंट है, योगर्ट इसमें जाएगा 1 कप। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करके आपने रखना है रात को फ्रिज में। रात को रखें या 2-3 घंटे, कम से कम 2 घंटे के लिए आप फ्रिज में लाजमी रखें। गार्लिक मेरे पास फ्रेश गार्लिक है, जो मैं क्रश करके डालूंगी इसमें। 6-7 क्लोव आप बड़े गार्लिक के ले लें और फ्रेश डालें इसमें। आपको पता है ये शिश कबाब हो या ये जो अरबी डिश होती है, इसमें गार्लिक का बहुत इस्तेमाल होता है। तो गार्लिक आप जरूर डालें और अच्छा खासा गार्लिक डालें। और ये बहुत अच्छी रेसिपी बनती है, झटपट बन जाती है। सिर्फ आपने मैरिनेट करके रखना है और बस फिर इसको आपने बना लेना। अच्छा सा मिक्स दें कि सारे स्पाइसेस सब कुछ मिक्स हो जाएं। सॉल्ट आप अपने हिसाब से डालें जितना आपको डालना है। और ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होता, तो इस वजह से आपने बहुत ज़्यादा मिर्चें इसमें नहीं डालनी। लेकिन अगर आपकी ख्वाहिश है ज़्यादा मिर्चें खाने की, तो डाल सकते हैं। अब हम इसे रखेंगे 2 घंटे के लिए फ्रिज में, कवर करके, और फिर वापस आएंगे। चले, चिकन हमारा हो गया मैरिनेट। और अब हम क्या करेंगे, अब हमने लेने स्क्यूअर्स। और अगर आपके पास स्क्यूअर्स नहीं भी हैं तो ऑनेस्टली आप वैसे भी कर सकते हैं। और ये हमने इसको छोटे छोटे साइज में किया हुआ था बोटियों को, और इनको हम इसमें स्लाइड करेंगे। आप चाहें तो इसमें कोई वेजिटेबल भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसको विदाउट वेजिटेबल्स के बना रही हूँ आज। बस इस तरह आपने इनको परोते जाना है। और ये थोड़े थोड़े करीब करीब से होते हैं, इस तरह। डिपेंड करता है आपने बड़ा स्क्वायर बनाना है, छोटा, जो भी साइज के आपने बनाने हैं। मैं थोड़े से बड़े बना रही हूँ, और इस तरह थोड़े से मैंने इसके पीसेस जो हैं लंबे लंबे काटे हैं, ताकि इस तरह ये रखने से पहले आप इसे ग्रीस कर लें। थोड़ा सा ऑलिव ऑयल लिया है मैंने, और उससे मैं इसे ग्रीस कर दूंगी। अच्छा, ये पैन ऐसी है कि आप इसको ओवन में भी रख सकते हैं और स्टोव पे भी कर सकते हैं। मैं स्टोव में करूंगी, आप चाहें तो ओवन में भी इसको बेक कर सकते हैं। और ये मैंने कुछ लंबे साइज में रखी थी, ताकि आप इसको इस तरह करके इस तरह परो लें, तो आपको छोटे छोटे स्लाइसेस नहीं करने पड़ेंगे। इस तरह करते जाएं, इस तरह इसको जिगजैग से करते जाएं और इसमें परोते जाएं। तो दो तरह के आपको आइडिया दे दिए, जो आपको इजी लगे वो आप कर लें। आप ये बताएं कि आप कौन से फ्लेवर की चिकन स्टिक पसंद करते हैं, शिश ताऊ, शिश कबाब, जो भी आपकी फेवरेट है कमेंट करके बताएं। देखें, माशाल्लाह हमारे स्कूर्स हो गए रेडी। अब ये मसाला भी फेंकेंगे नहीं, क्योंकि जब इसको बनाएंगे तो थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर लगाएंगे हम। आपने क्या करना है, अगर आपने बेक करना है, ओवन में रख दें इसको 425 पे, डिपेंडिंग ऑन योर ओवन, 30-40 मिनट्स के लिए। मैं इनको स्टोव पे बनाऊ। कर दिए और इसको रखा है मैंने यहाँ पे, और इसको मैं मीडियम हाई पे शुरू करूंगी बनाना। थोड़ा थोड़ा ऑयल लगाएंगे और थोड़ा सा इस पे मसाला लगाएंगे, तो ये बहुत मजेदार इंशाल्लाह बनेंगे। साथ ही मैंने एक कोयला लिया है और उसको मैंने ऑन कर दिया है, ताकि ये अच्छी तरह से गर्म हो।
इसको आप 2 मिनट रहने दें और उसके बाद फ्लिप करें ताकि एक तरफ से पक जाए, फिर आप उसको टर्न करें। तो आप देखेंगे एक साइड से कलर आना शुरू हो गया है और मैं इसे टर्न कर दूंगी। और इन पे हल्का हल्का ऑयल लगाऊंगी। चलो ये देखिए कि जब स्टोव होता है उसके बीच में इतना ज़्यादा गर्म नहीं होता तो थोड़ा मॉइस्ट रहता है। आप क्या करें, जो साइड वाले कुक हो गए जल्दी उनको आप उठा के सेंटर में रखते जाएँ ताकि वो गर्म और मॉइस्ट रहें जब तक दूसरे रेडी हैं। बाद इस तरह जो बने हुए हैं वो बीच में रखते जाएँ और साइड वालों को फ्लिप करते जाएँ। साथ ही मैंने एलुमिनियम का वो चीज़ थोड़ा सा प्याला सा रेडी कर लिया ताकि जैसे ही हमारा कोयला और ये रेडी हो तो हम इसको स्टीम दें। पहले मैंने बिल्कुल मिनिमम पे इसको कर दिया है स्टोव को, और ये जो कोयले वाला स्टोव है ये मैंने ऑफ किया और इसमें मैं रखूँगी अपना ऑयल हॉट केरल के साथ आपने, और इसमें आपने डालना है थोड़ा सा ऑयल या बटर या घी जो भी आपने डालना है। इसे आप कवर कर दें एल्युमिनियम फॉइल से या किसी भी चीज से फॉर 2-3 मिनट ताकि स्मोकी इसका फ्लेवर स्मोक का आ जाए। तो देखिए ये कितनी अच्छी सी स्मोक इसके अंदर आ गई। और इसको अब स्मोक हो गया है 2-3 मिनट अच्छी तरह से, अब इसको आप डिस्कार्ड कर दें, पानी में डाल दें। आप लें अपना जिप लॉक और इसमें डालें अपनी गार्लिक सॉस, व्हाइट सॉस जो मैंने बनाई हुई है, तो आप जाके उस रेसिपी को चेक करें और बना लें। बहुत इजी सी बन जाती है, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हो जाती है इसको इस तरह लगाने से। अब आपने इसको लगाया और यहाँ से हल्का सा बारीक सा आपने सीजर से काट देना, बिल्कुल बारीक सा काटें और बिस्मिल्लाह। तो चलें देखें कितनी खूबसूरत सी और झटपट से माशाल्लाह इतनी यम्मी सी रेसिपी रेडी होगी। आप इनको साइड पे नान दें या फिर आप दें इसके साथ चावल दें, सैलड दें और प्याज काट दें, बहुत मजेदार लगेगा ये। तो चलें अब आ गया है आपका फेवरेट टाइम, और मुझे मालूम है कि आप इसके बारे में बहुत क्वेश्चन करेंगे। मैं पहले भी बता चुकी हूँ ये मैंने कॉस्को से लिया था, मेरे ख्याल $20-25 का है। दोनों साइड से आप यूज कर सकते हैं, प्लेन साइड से भी और इस तरफ से भी, बहुत अच्छी डील है, आप जरूर लें वहां से। और अब आ गया आपका फेवरेट टाइम एंड बिस्मिल्लाह। अब देखेंगे कितने आराम से ये चिकन हमारा पूरा बिल्कुल वाइट है अंदर से, और इतना मॉइस्ट और जबरदस्त बना है, जाके जरूर ट्राई करें। चैनल को लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।